अज देखो जी परमेश्वर की कृपा नाल ते लोकां दे आशीर्वाद नाल जिहड़ी गुरदासपुर इलाके की बड़ी एक अहम लोड़ सी, मैं मंग नहीं कहांगा लोड़ सी लोकां दी, अज आम आदमी पार्टी की सरकार ने भगवंत मान जी मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई थले और डॉक्टर बलबीर सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर और उन्होंने तो पहला चेतन सिंह जौन माजरा जी दे मेयर दे नाल इस अज जिहड़ी अर्बन कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर का नींह पत्थर रख्या। इहदे लई 2,38,00,000 रुपया मंजूर होकर उसकी पेमेंट जिहड़ी आ गई आ। 27 मार्च नूं इहदा काम जिहड़ा सीगा आपां शुरू करता और बहुत जल्दी अगले 3-4 महीनों के विच ये कंप्लीट हो जाएगा। और उस तो अलावा 1,15,00,000 रुपए के जिहड़ा इक्विपमेंट आ जिहनूं साजो समान कहिंदे आ जिहड़ा इहदे विच सारा आउणा है वह भी टेंडर जिहड़े ने लग गए ने। आने वाले 1.5-2 महीने के विच वह कैंग टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो के वो जरा समान है वह भी इतने पहुँच जाऊगा और बहुत जल्दी जी इतने रिक्रूटमेंट होनी है लोड़ा स्टाफ है उसकी पोस्टा की रचना वास्ते क्रिएशन ऑफ पोस्ट वास्ते केस जरा वो FD को चले गया। आने वाले दिनों के भी बहुत छेती कंप्लीट हो जूगा और जी लोग इतों के इस सहूलत के उपर औखे सन और इस सहूलत तो वांझे सन अज वो सहूलत जी इस इलाके के लोगों को मिलेगी। ये 30-बैडेड हॉस्पिटल होएगा, 2 ऑपरेशन थिएटर के होंगे, गायनी का वक्रा होएगा और हर तरह का डॉक्टर भावें सर्जन है जी भावें बच्चों का भावें गायनी का भावें मेडिकल का सारी स्टीम के डॉक्टर साहबान इतने उपलब्ध होंगे, फार्मेसिस्ट होंगे। और इस तो अलावा एक होर वधिया गल इस अर्बन कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर के असी एक जन औषधि दुकान जी भी खोलन जा रहे हैं और तुम इस सज्जे पासे देख लो वह निर्माण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और बाजार नालों सस्तियां दुकाना जड़िया ने दवाइया जड़िया ने वह जन औषधि दुकान तो मिलनगिया। सो ये सारिया चीज़ा अज ता ही हो सकिया ने कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने लोगों के जज्बातों की तर्जमानी की, लोगों की उस लोड़ नूं मद्देनज़र रख्या और जिहड़ियां रवायती पार्टियां पिछले 15 सालों तो लोगों नूं इन्हां सहूलतों च रुकावट पा के नेड़े नहीं आउण दित्तियां। अज मैं समझना भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने नाल अज लोगों नूं सहूलत जिहड़ी आ उह मिलन जा रही है। इहदे नाल मैं ये भी दसना चाहना गुरदासपुर वालियां नूं भी जिहड़ा इत्थे मुंडियां दा स्कूल आ वह भी स्कूल ऑफ एमीनेंस दे विच तब्दील हो गया और उन्हें स्कूल ऑफ एमीनेंस नूं बच्चिया लई लड़किया लई भी कोएड भी कर दिता गया वा। उहदे भी तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्च जिहड़ा होना। शहर के लाइब्रेरी बहुत खस्ता हालत सीगी, 36,36,000 रुपये के नाल उहदा निर्माण का काम भी जिहड़ा शुरू हो गया। सो असी सारे मिल के साडी जिहड़ी पार्टी है अज उचेचे तौर पर इस मुबारक दिन साडे विच साडे साथी शमशेर सिंह जी जिहड़ी बहुत बखूबी दे नाल दीनानगर दे विच लोकां दी रहनुमाई कर रहे ने और आम आदमी पार्टी का सुनिया घर घर पहुँचा रहे ने अज उचेचे तौर पर आए ने। इन्हां दी जलंधर ड्यूटी सी पर उत्थों भी समा कढ़ के अज आ के गुरदासपुर के लोगों के नाल इन्हां ने शिरकत की आ। सो मैं अज समुचे इलाके का भी धन्यवाद करदा, उन्हां दा आशीर्वाद लिया सरकार बनी और सरकार का धन्यवाद करदा भी जिन्होंने गुरदासपुर के जिहड़ी संस्था दे के लोगों के जिहड़ा ये बहुत वड्डा मसला सी जे किसी साडी भैन नूं बच्ची नूं मुश्किल आउंदी सी गायनी वेले 8 किलोमीटर बाहर जाना पैंदा सी, उहदा इलाज इत्थे हो जूगा। किसी नूं कोई मैडिकल एमरजेंसी आ जांदी सी
ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਚਨਬਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਤੀ, ਲੈਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਦੇਖੋ 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22,512 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 6,371 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਭੋਪਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਨ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਜੋੜਾ, ਬੱਬੇ ਆਲੀ ਅਤੇ ਭੁੰਮਲੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 80 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਨੇ ਜੀ ਔਰ 41 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਟੋਟਲ 32 ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ CMO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਤੀ ਵੀ 3 ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 80 ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।